भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन का पाप का घड़ा का कार्यक्रम है, उनका घड़ा भर चुका है। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी जो राज्य सरकार में जो अव्यवस्था है वो बहुत ही निंदनीय है। जब तक रघुवर दास जी की सरकार थी, विकास का कार्य बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से सारे काम विकास के कारण ठप हो गए हैं। ठीक है, अगर आप ले रूपा तिर्की का मामला, उन मामले में भी कुछ वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो किनको पनाह दे रहे हैं। जब रघुवर दास जी की सरकार थी, मैं कहना चाहती हूँ कि उनके सरकार में उग्रवादियों की जो थी वो घटना बहुत ही कम हो गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में आज उग्रवादियों को पनाह सा मिल गया है। आज राह चलते, आज ग्रामीण ले लीजिए, शहरी ले लीजिए, रेप की इतनी हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इस पर निरंकुश कब लगाएगी सरकार। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे युवाओं से, साल भर में आप 5 लाख रोजगार देंगे। ठीक है, वो क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? ठीक है, चलिए मानते हैं 5 लाख नहीं सही, कम से कम 1,50,000 तो रोजगार दीजिए। मेरा आपके कार्यकाल में हेमंत सोरेन जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सारे विकास के कार्य ठप है। आपको नैतिकता के हिसाब से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुर्दाबाद हेमंत सोरेन, मुर्दाबाद हेमंत सोरेन, हाय 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 हाय। युवाओं को रोजगार दो, हेमंत सोरेन युवाओं को रोजगार दो, मुर्दाबाद। का घड़ा भर चुका है, चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे युवाओं से, साल भर में आप 5 लाख रोजगार देंगे। ठीक है, वो क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? ठीक है, चलिए मानते हैं 5 लाख नहीं सही, कम से कम 1,50,000 तो रोजगार दीजिए। मेरा आपके कार्यकाल में हेमंत सोरेन जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सारे विकास के कार्य ठप है। आपको नैतिकता के हिसाब से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुर्दाबाद हेमंत सोरेन, मुर्दाबाद हेमंत सोरेन, हाय 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 हाय। युवाओं को रोजगार दो, हेमंत सोरेन युवाओं को रोजगार दो, मुर्दाबाद। का घड़ा भर चुका है, भर चुका है।